अब हम जा रहे हैं फिर से दोबारा। हेलो दोस्तों, जय श्री राधे। और आज मैं जा रहा हूँ श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर, क्योंकि पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, विलेज गौ मंगनी में है, और वहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर मछलियाँ भी हैं, और हम वहाँ पे जाके आपको बताएंगे। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अब हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर, और आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत मंदिर है, और यहाँ पर भी दूर दूर से लोग माथा टेकने के लिए आते हैं। और यहाँ का जो प्राचीन तालाब है वहाँ पे आप देखिए कितनी ही खूबसूरत मछलियाँ हैं, और अब हम आपको दिखाएंगे कि कितनी ही खूबसूरत मछलियाँ यहाँ पर हैं। और सबसे पहले हमने भगवान शिव जी के मंदिर माथा टेका, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ गए। जा रहे हैं मंदिर दूसरे साइड पे। और अब हम जा रहे हैं दूसरे साइड, और आप देख सकते हो कितना ही सुंदर मंदिर है, जो कि तालाब के अंदर बनाया हुआ है, और आप देख सकते हो। और आप देख सकते हो कितनी ही खूबसूरत यहाँ पे सैकड़ों मछलियाँ हैं। और ये भाई भी मछलियों को पेड़ा डालने के लिए आए हुए हैं। और मैं भी डाल रहा हूँ मछलियों को पेड़ा। और आप देख सकते हो कितनी ही रंग बिरंगी और सुंदर सुंदर यहाँ पे मछलियाँ हैं, और यहाँ पे आके दिल बहुत ही खुश हो जाता है। और आप भी यहाँ पे आएं और इन मछलियों को पेड़ा डालें।
ये मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। टेक लिया है और मछली को पेड़ा भी डाल दिया है और अब हम जा रहे हैं घर वापस। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और आप भी यहाँ पे आए, जो कि पठानकोट के साथ लगते गांव मंगड़ी में है। और आप देख सकते हो मंदिर की खूबसूरती। तालाब के बीच बना हुआ है, आप देख सकते हो। हेलो कर दो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? नहीं पढ़ते अभी, स्कूल नहीं जाते। मुझे बटन दबाना होगा। हमने माथा टेक लिया है और अब हम जा रहे हैं घर वापिस। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाला हर ब्लॉग आप तक पहुंचता रहे। करना है।